हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं यूपी आरबी यूएनएल की तरफ से जो कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में, यानी उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी रखी गई है। तो ये जो वैकेंसी है आपकी जो है उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिक निकाली गई है। तो इसमें जो भी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहने वाली है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट है, नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यह जो वैकेंसी है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए आपके लिए जो है कंप्यूटर सहायक की वैकेंसी रखी गई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके पद रखे गए हैं। आरक्षित यानी जनरल के लिए 12 वैकेंसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 9 वैकेंसी, एससी के लिए 7 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है। आपके जो ईडब्ल्यूएस होते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर रहते हैं, उनके लिए 3 वैकेंसी रखी गई हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए एक वैकेंसी रखी गई है और भूतपूर्व सैनिक यानी ईएसएम के लिए एक वैकेंसी है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डीएफएफ के लिए कोई वैकेंसी नहीं रखी गई है। इसके आगे हम बात करते हैं जो है इसके वेतनमान यानी सैलरी के बारे में। तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी रखी गई है, 27,200 रुपये इसमें सैलरी रहेगी जो लेवल चौथे की रहने वाली है। और जो है आपकी सैलरी में जो भी अलग TADA वगैरह दिया जाएगा, अलग जो आपको लंचेस दिए जाएंगे उनके बारे में अभी इसमें कुछ नहीं बताया गया है। और आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 40 वर्ष आपकी आयु जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1/7/2022 यानी 1 जुलाई 2022 से कैलकुलेट की जाएगी। आयु में अनुमान छूट की बात करें तो SC के लिए जो है 5 साल रखी गई है और OBC के लिए 3 साल रखी गई है। PWD के लिए जो है आपकी 15 वर्ष के लिए आयु में छूट रखी गई है और ECM यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 वर्ष रखी गई है। और विहित आयु अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक ना हो, जो मतलब सशस्त्र सेना में की गई सेवा अवधि में कम करते हुए परिणाम जन्य आयु उस पद सेवा के निमित्त जिसके लिए वह नियुक्त का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु 3 वर्ष से अधिक ना हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में केवल एक ही छूट जो अधिक लाभकारी हो अनुमन्य होगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से और जो है किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो उसके आगे हम बात करें तो हिंदी टंकण यानी आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण की बात हमने कर ही ली है कि एज लिमिट में आपको क्या आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण की बात करें तो इसमें जो है EWS OBC अन्य क्षेत्रीय आरक्षण वर्गों के लिए राज्य के नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा, यानी जो भी आपका आयोग है, जो भी आपका राज्य विद्युत आयोग है उसकी तरफ से जो है जो भी आपको आरक्षण दिया जाएगा वो इसके नियमानुसार दिया जाएगा। आरक्षित पदों की संख्या जो है हमने आगे पीछे बात कर ही ली है। बात करते हैं इसकी जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसमें अनुसूचित जात जनजात के लिए 826 रुपये है, जनरल के लिए 1180 रुपये है और दिव्यांगजन के लिए 12 रुपये फ़ीस रखी गई है। 1180 आपकी जो है रखी गई है जनरल के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है 826 रुपये। अब बात कर लेते हैं जो है इसके CBT के बारे में। इसमें जो है प्रथम भाग कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसमें कि आपके नीलेट से, ट्रिपल से इस तरह के कंप्यूटर ज्ञान से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा और 50 अंकों की होगी परीक्षा आपकी और इसमें A1/4 माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो 1/4 इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में अब संबंधित अभ्यर्थी को जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंकों की श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, यानी आपका सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। द्वितीय भाग आपका जो होगा वो भी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जिसमें आपके 3 टेस्ट पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें पहला होगा सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान यानी GS और रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के, 45 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन और 25 नंबर्स के आपके रहने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी 55 क्वेश्चन रहेंगे 55 नंबर के, सामान्य इंग्लिश 55 क्वेश्चन 55 नंबर के रहने वाले हैं, यानी 180 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 180 नंबर आपको इसके लिए प्रदान किए जाएंगे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। पहला आपका सिर्फ CBT होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें CCC से जो है आपके
लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। और अगला जो रहेगा आपका सीबीटी सेकंड वाला, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसके बाद में आपको जो है, जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद में तृतीय भाग में आपको जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो हिंदी में होगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए मेरिट में जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनसे 3 गुना ज़्यादा कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। आपके जो टाइपिंग है वो कंप्यूटर पर 5-5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, यानी 5 मिनट में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। कृति देविया 016 फंड में आपकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में टिंकण परीक्षा है तो 20 अंक निर्धारित होंगे, या 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ, अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 वर्ड्स पर मिनट की गति के साथ प्राप्त किए हों। तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में हम बात ही कर चुके हैं, पहले आपका क्वालिफाइड नेचर का सीबीटी होगा, उसके बाद दूसरा सीबीटी, उसके बाद में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद में आपका फाइनल जो भी होगा मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद में डीवी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो है इसकी सैलरी के बारे में, तो हमने पीछे बात ही कर ली है कि 27,000 रुपये प्लस इसकी सैलरी रहने वाली, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर करिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।